लड़की गई बाहर में, अब तो गए पहाड़ों में। यहाँ हमारे गाड़ी का ऑयल चेंज हो रहा है गाइस, ये दोनों गाड़ी का ऑयल चेंज हो रहा है और हम कहीं पे तो जा रहे हैं गाइस घूमने के लिए। आपकी दाढ़ी में कुछ लग गया है दोस्त, स्प्राइट पीना है किसी को तो पी सकते हो ठंडी में स्प्राइट। गाइस सिलवासा के आगे पहुंच गए हैं हम लोग, हमारी गाड़ी देखो, लोकेशन देखो, बढ़िया भाई साहब, झरने के बीच में सिलवासा। चलो अभी हमारी गाड़ी निकल रही है, जिगर गाड़ी निकाल, चाहते हैं अभी इधर से हमें 200 किलोमीटर जाना है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग, व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। डेट हमने इंप्रूव किया है तो हमारी 07 के डेट निकल पड़ी है मैसेज घाट और कालू वाटरफॉल के लिए। देखो ट्रैफिक पुलिस वहाँ भी नेशनल हाईवे पे भी ट्रैफिक क्लियर करवाने लग गया है और हमारे दूसरे दोस्त आ रहे हैं पीछे, तो बेहद बारिश है भैया, बेहद बारिश है। देखो मुन्नार के पास पहुँच गए हैं, बेहद बारिश है, बारिश में कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। और मालसेजगढ़ घूमेंगे, बारिशों की वादियाँ बोलते हैं उसे। अभी हम करेंगे थोड़ा सा नाश्ता। क्या कर रहा है, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, फंस गया है भाई, रेनकोट फंस गया है भिंगा का, निकल गया। अच्छा दोस्तों, बेहद बारिश है इधर और अभी रुके हैं हम और हमें इस तरफ जाना है। अभी भी 137 किलोमीटर बाकी है, हमारे घर से बहुत दूर है, 350-380 किलोमीटर है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम लोग, चलिए चलो, जान दो गाइस, जान दो जान दो। तो फाइनली हमने 350 से किलोमीटर ज़्यादा हमने पार कर लिया है गाइस, और अभी भी कितना किलोमीटर बाकी है, अभी 30 किलोमीटर है, 30 अभी भी 30 किलोमीटर बाकी है और 7 बज गए हैं शाम के भाई। सुबह 6 बजे निकले थे और शाम के 7 बजने को आए हैं भिंगा। बहुत देर लगी हो भिंगा, वो कंटल गया हमारा दोस्त भाई, 350 किलोमीटर पार कर लिए हमने फिर भी नहीं आ रहा है। मालसेजगढ़ जा रहे हैं कालू वाटरफॉल और शाम को हमको अभी रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी अच्छी सी, और रेनकोट तो अभी तक हमने निकाला ही नहीं है, घर से निकले हैं तब से। बारिश 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 भाई, बहुत बारिश है। हमारा दोस्त भिंगा भाई कंटल गया है, भिंगा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। 300 किलोमीटर बाकी है, अब 30 किलोमीटर बाकी है, शांति मिल रही है तेरे को? अभी अभी शांति मिल रही है, बड़ा हरामी हो बेटा। तो फाइनली दोस्तों 8 बज गए हमको मालसेज कालू पहुंचते पहुंचते, इधर से मालसेजगढ़ अभी भी 10-12 किलोमीटर दूर है भाई, थक गए बहुत थक गए हैं। और हमारे 3 दोस्त खाना लेने गए हैं, इधर कुछ मिल नहीं रहा है, तो और अभी हम जाएंगे एक अंकल के वहाँ पे घर ढूंढा है, वो दिखाते हैं आपको, चलिए। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम इधर रुके थे, उठे हैं, मैं तो भी उठा हूं, सब उठ गए अब दोस्तों। देखो ये लोग सब वीडियो ले रहे हैं, ये गांव में रुके थे हम, हमको कोई होटल वोटल नहीं मिली तो। तो इस गांव में हम रुके थे, वो वाले घर में आके एक घर है, वहां पे रुके थे गाइस। गांव कैसा है गाइस, आप भी आओ तो, वहां पे देखो नजारा।
मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? इस गांव में आप आके रुक सकते हो गाइस, स्टे के लिए कोई भी आपको मना नहीं करेगा इधर, तो आइए और बोलिए कि हमको रुकना है तो रोक सकते हैं आप इधर भी। और होटल वोटल मिलती नहीं है ज़्यादा इधर, तो आपको सारी जानकारी देते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कालू वाटरफॉल के पास, ये रहा गेट, यहाँ ग्रीन कलर का गेट दिखेगा आपको और ये खंडर घर दिखेगा, वहाँ से जाना है। और ये हाईवे आता है, नासिक से आता है और ये सामने वाला जाता है जो मालसेज होके डायरेक्ट पुणे की ओर जाता है, तो आप इस तरफ से आओ तो भी ये दिखेगा। चलो गाइस आपको पूरी जानकारी देते हैं हम लोग कालू वाटरफॉल की, तो चलिए चलते हैं। गेट से अंदर आओ तो 4 किलोमीटर अंदर जाना होता है गांव में, फिर वहां से ट्रैकिंग होती है, दिखाता हूं आपको। आप इधर कालू के पास आओ तो ये तिप्ती रिसोर्ट है इधर अंदर, तो आप इधर कांटेक्ट भी कर सकते हो, रूम टेंट सब मिल जाता है और काफ़ी ऑफ रोडिंग है। गाइस कैसा लगा रोड आपको, कैसा रोड था? खड़ा का रोड था। अरे कहना क्या चाहते हो? खड़ा खबोचिया का रोड था, तो इधर से आगे जाना पड़ता है और काफी सुहाना मौसम है गाइस। कालू आ गए हम, फाइनली आ गए। काफी रोड खराब है तो संभल के आइएगा और बारिश में काफी फिसलन होती है, तो चलिए चलते हैं। हमारी सब गाड़ी आ गई है, हमें शायद से इधर ही छोड़नी पड़ेगी हमारी गाड़ी, क्योंकि आगे रास्ता काफ़ी ढलान वाला है और काफ़ी पत्थर हैं, तो इधर ही रख देते हैं, लेना पड़ेगा, हमारा बिंगा बोल रहा है तो ले लो गाइस। बारिश शुरू हो गई है गाइस। ओह भाई साहब क्या है, जन्नत भाई जन्नत, देखो भाई ये पानी में से पार करके जाना पड़ेगा हमें, ऐसे हमें दो नदियां पार करनी है, ये छोटी वाली है थोड़ा सा चढ़ना है और इसके आगे कालू रिवर है वो भी हमें पार करनी है। अभी हमारे दोस्त लोग गाड़ी रखने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, रख दो गाइस उधर ही, फिर जाते हैं हम कालू के लिए। ये भी लोग आए हैं बारडोली से और लोग यहाँ पर नहा रहे हैं गाइस, और क्या मजा आती होगी रिंगा इधर नहाने में। बारिशों में काफी मौसम सुहाना हो गया गाइस, और चलते चलते जा रहे हैं हम कालू की ट्रेकिंग के लिए। 1 किलोमीटर जाना है हमें यहाँ से, और काफी हद तक तो हमने गाड़ी पे ही पार कर लिया था और बारिश आ रही है गाइस देखो। हमारे दोस्त लोग ने सबने हेलमेट वेलमेट सब पहन लिया है, ये मैं व्लॉग बनाते बनाते कांटे में घुस गया। बोल बिंगा क्या बोल रहा था? लड़की गई बाहर में, अब क्या गया बाहर में। देखो सामने ही है वाटरफॉल लेकिन दिख नहीं रहा है गाइस, तो थोड़ी बारिश रुकेगी उसके बाद में जाएंगे हम लोग। देखो हमारे लोग फोटो खींच रहे हैं। अभी हमें ये नदी पार करनी है, अभी कालू रिवर की प्रवाह ज़्यादा है नदी का, तो थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ से रस्सी रस्सी बांधेंगे फिर जाना पड़ेगा हमें। लोग हैं काफ़ी, दिखते भी नहीं हैं। तक रोपवे वाले नहीं आए तो हमने दूसरा साइड में वाटरफॉल है वो एक्सप्लोर करने आए हैं। माय गॉड भाई साहब, ओहो हो क्या जन्नत है भाई, भाई साहब ये भी कितना बड़ा वाटरफॉल है भाई, बहुत ही बड़ा। लालू कालू नहीं पहुंच पाए लेकिन यहाँ पहुंच गए, अभी कालू जाएंगे, रोपवे वाले आएंगे तो ये नदी पार करके जाना पड़ेगा रोपवे से हमें।
ये सब लोग राह देख रहे हैं चीप लाइन वाले की और मक्का खा रहे हैं। वहाँ चिकन लोग ये देख पाकिट ले रहा है मक्का लेने के लिए अभी जीप लाइन वाले आ रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं भाई। अभी ये लोग बांधेंगे इधर मकई से भी उधर बांधेंगे कहीं पे जाएंगे तो इधर खेल रहे हैं। देखो इधर बांध दिया है भाई ने। अभी इधर से जाएंगे नदी पार करेंगे। काफ़ी पब्लिक हो चुका है गाइस। जीप लाइन की लाइन लग गई है गाइस और देखो लोग जा रहे हैं। इसे बांध के रस्सी खींचते हैं जा रहे हैं लोग। फाइनली 7 बजे के आए थे और 11 बजे जीप लाइन के पास हमने पार किया। लेकिन नज़ारा हुआ एक कालू वाटरफॉल जन्नत लग रही है। क्या लग रहा है? बढ़िया नज़ारा है मेरे भाई। ये बढ़िया देखो ये पहाड़ ऊपर से धुआं धुआं हो रहा है एकदम फॉगी नेचर हो रहा है। और वाटरफॉल देखो वो देखो भिंगा हमारा दोस्त अकेले जा रहा है आगे वो फोटो ही खींचेगा। कालू वाटरफॉल के पास। कालू वाटरफॉल ये अभी और नज़दीक जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं हमारे फ्रेंड। और नज़दीक जाएंगे और काफ़ी हाई पे से पड़ रहा बाप रे क्या व्यू है। 300-400 किलोमीटर भी वसूल हो गया ये देख के। क्या बोल रहे हैं पैसा वसूल। अभी फ़ोटो खिंचवाते हैं चलो। अभी और करीब जा रहे हैं कालू वाटरफॉल के हम लोग एकदम नज़दीक तक जाएंगे और व्यू दिखाएंगे आपको बढ़िया। देखो काफ़ी मुश्किल रास्ता आगे से देखो पानी के साइड से जाना पड़ेगा लेकिन कोई नहीं मस्त जाएंगे हम शांति से चलो। ऐसा रास्ता है गाइस आगे तो शायद रास्ता ही खत्म हो गया। दोस्तों हमने ऊपर जाने की बहुत ट्राई की लेकिन कहीं से जा ही नहीं जा रहा है क्योंकि पानी बहुत तेज है नीचे से रास्ता जाता है। देखो उससे ऊपर तक चढ़ गए थे वो हमारा दोस्त टॉप पे चढ़ गया है। कोई नहीं काश ऊपर से जाके देखते हैं एक बार और फिर हो पाया तो नज़दीक तक देखेंगे वरना इधर से नीचे चले जाएंगे। दोस्तों बहुत ही कठिन है रास्ता और हमने बेयर ग्रिल्स हमारे उसको भेजा था ऊपर वो देखो हमारा बेयर ग्रिल्स दिगर चौधरी जो रास्ता खोजने गया था। इधर से रास्ता जाता है इधर से लोग जाते हैं सामने से लेकिन अभी पानी का बहाव काफ़ी तेज है तो ऊपर से जाके देखते हैं एक बार। लालू देखा तो अच्छी बात वरना नसीब नहीं था हमारा ऐसा सोच लेंगे। चलो हाँ चल नीचे उतर जारी रह जाता है। फाइनली हमने आधा पहाड़ चढ़ के फाइनली भाई आ गए हैं कालू के थोड़ा सा इतना भी नहीं लेकिन थोड़ा दूर ही है लेकिन क्या व्यू दिख रहा है गाइस दिखाता हूँ आपको। देखो हमारे फ्रेंड्स सबको वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं। देखो वाह
थॉट आपने देखा नहीं होगा, एक बार तो जरूर आइए इधर। देखो हमारा लालू भाई फोटो खिंचाने के लिए उधर चढ़ गया है और इधर खाए है भाई। बारिश में बेहद गंदा रास्ता हो गया है गाइस, देखो ऐसे फिसलन भरा। तो ट्रैकिंग शूज पहन के आए हमारे वाले थे, ऐसे चंपल पहन के आए थे, कोई बात नहीं। लेकिन हमने देख लिया लालू वाटरफॉल, धीरे धीरे नीचे उतरते हैं फिर और जाएंगे मालसेज घाट। देखो व्यू भाई, झरने झरने। रियल वर्सेस रियलिटी, देखो व्यू देखो। अच्छा व्यू आता है भाई साहब, लेकिन अभी सारे कहीं पे भी धोत गिरते रहते हैं। मालसेज घाट वाटरफॉल का एकदम मेन जगह है, यहाँ पे हर जगह से वाटरफॉल गिरते हैं, बारिश में गिरते रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं देगा आपको व्यू वो, क्योंकि ऐसे बहुत धूप से बारिश भी बहुत है। कोई नहीं भाई, बैड लक, नेक्स्ट टाइम कहीं भी फिर आएंगे मालसेज घाट। जा ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ का व्यू भाई बेहद ही बढ़िया रहता है, बेहद ही बढ़िया। आपको इधर फोटो दिखा दूंगा मैं, ये रहा, बेहद बढ़िया रहता है इधर व्यू, लेकिन काफी धुम्मस है, निराश होना पड़ेगा, इतना व्यू अच्छा देखने को नहीं मिलना। बाकी रहेगा मालसेज घाट भाई, ये देखो धुम्मस आ रहा है। काश मालसेज घाट घूम लिया तुमने, ये गुफा तुरंत ही भाई, देखो धुम्मस अभी गया हाँ, अभी तुरंत ही आ जाएगा, ऐसे झटके में, एक झटके में आ जा रहा है, धुम्मस ही आ रहा है। हमने जो व्यू सोचा था वो हमको नहीं दिखा, कोई नहीं दूसरी बार देखेंगे ये। हाँ देखो ये है गुफा और धुम्मस आ रहा है काफी, लग गया। कोई नहीं कोई नहीं, इधर महाराष्ट्र की पुलिस बहुत लुटी है, आप सब सब अच्छे से लाइसेंस वाइसेंस सब हेलमेट वेलमेट पहन के ही आना गाइस। मालसेज घाट काफी वाटरफॉल है, काफी वाटरफॉल काफी देखे, लेकिन मोबाइल में अच्छे से शूट नहीं हुआ है, व्यू एकदम टॉप। इधर हमारी गाड़ी पंचर हो गई है भिंगा, ऐसे दिक्कत आती रहती है, कोई बात नहीं, पंचर हो गया है, बना लेते हैं। The next day. Good morning guys. तो हम लोग कल शाम को आ गए थे शिरडी के पास और अभी हम जा रहे हैं, मॉर्निंग का व्यू है, दर्शन करने जा रहे हैं। कोई नहीं, फोन वोन लगते हैं और जाके दर्शन करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। चलो तो फाइनली गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं, एकदम बढ़िया तरीके से, अच्छे से दर्शन किए ना सब लोगों ने, बहुत अच्छे से। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और सिटी का कोई प्लान नहीं था, बाबा ने हमको बुलाया होगा इसीलिए हम इधर आ पहुंचे हैं अचानक। कहाँ आ गए, हाँ कहाँ से कहाँ आ गए। तो चलिए थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं और फिर जाते हैं घर की ओर।